तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल शक्ति व्लॉग। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल के अंदर। और आज की वीडियो देसी स्टाइल में होने वाली है। बिकॉज क्यों? क्योंकि आज हम जा रहे हैं हमारे गांव। गांव जाने का रीजन ये है कि मम्मी गांव गई थी, इसलिए हम लोग यहां पे आ गए थे। तो अभी मम्मी को लेंगे और मेरे पीछे कोई है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप इस बंदे को पहचान सकते हो तो पहचान लो। तो मैडम, ये गेटअप कैसे चेंज हो गया आपका एकदम से? जब जब मैं गाँव जाती हूँ तो ऐसा गेटअप देसी शहरी स्टाइल मिक्स हो जाता है। जब भी हम गाँव जाते हैं तो इसका सारा गेटअप चेंज हो जाता है। तो फटाफट से चलते हैं गाँव में, मम्मी को लेकर दिल्ली जाना है क्योंकि कल मेरी ऑफिस ड्यूटी है। यशो हाथ में लाओ, मैं जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद में, ठीक है? अगली बार, ठीक है भाभी? शकल तो दिखाएंगी नहीं अपनी, बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो गाइस, बाहर निकलते हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? धूप। धूप के मारे जान निकल जाती है, इतनी धूप हो रही है। अभी गाड़ी में बैठेंगे ना तो हमारी हालत ज्यादा खराब होगी क्योंकि गाड़ी के अंदर बिल्कुल भपका निकलने वाला है। ठीक है मम्मी जी, बाय, मिलते हैं दोबारा। जब भी जाते हैं ना थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अब की बार इमोशनल मत होना, 20 दिन बाद में हम दोबारा आ रहे हैं वापस। गाइज मैं आपको बता दूं, अभी हम दौसा के अंदर आ चुके हैं और हम जयपुर से चल रहे हैं ना, इतनी तेज हवा चल रही है। तो गाइज आज बाहर का मौसम हो रखा है ऑसम। मौसम ऑसम। ये वाला जो कलर है ना तेरे ऊपर बहुत सूट करता है, कोका कोला रंग। तो गाइज ये है गांव वाली स्पेशल कुल्फी। भी हम बांदी हुई के पास पहुंच चुके हैं और सोनम को क्रेविंग हो रही है ये वाली कुल्फी खाने की। तो कुल्फी दे देना। और क्या लेगी? 10 रुपए में तेरे को मावे की कुल्फी मिल रही है। दिल्ली में नहीं मिलेगी तेरे को? दिल्ली में तो मिलेगी नहीं, जयपुर में 40 रुपए की मिलती है। मेरे को भी दे दे, दोनों खाने का इरादा है। अपनी खाते खाते मेरी भी खा सकती है। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे गांव। और अभी पूरी तरीके से नहीं पहुंचे, अभी आपको रास्ता मैं दिखाऊंगा। सामने बिल्कुल ऑफ रोड रास्ता है और सेडान गाड़ी के लिए काफी मुश्किल होता है। और देखो सामने पहाड़ है और यहाँ पे आके ना बिल्कुल मन खुश हो जाता है क्योंकि पूरा पीसफुल एरिया है। इन पेड़ों में जो पत्ते आ रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है देख। हमेशा गाँव में आते ही डर लगता है, इसे लगता है कोई पैंथर वैंथर तो नहीं है। तो गाइस मौसम हो रहा है ऑसम और इस मौसम ऑसम में हम फील कर रहे हैं नेचर को। अभी चलते हैं ऊपर, उसके बाद हमें जो आप बोलते हो ना दारू वाला मंदिर, मैं आज आपको फिर से दिखाने वाला हूँ जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे प्रसाद चढ़ा के जाना है। अबे कहाँ जा रहा है, कोई पैंथर ले जाएगा तेरे को? मैं जा रही हूँ अकेले अकेले ऊपर तक, और शक्ति है मेरे पीछे, मैं खुद ही पैदल वाली ऑफ रोड ड्राइविंग कर लेती हूँ। हवा तो बहुत ज्यादा चल रही है आज, इतनी हवा चल रही है। अरे धूल घुस गई बहुत ज्यादा यार। अपनी गाड़ी में आके बैठ जा, पता चलेगी किसी पैंथर वैंथर की खुराक बन जाए। जल्दी आ फटाफट, बकरी आराम से अपना खाना खा रही है क्योंकि इनको जंगलों में खाने की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे ढाकर वगैरह पड़े हुए हैं, शक्ति इनको हटाएगी क्योंकि गाड़ी में स्क्रैच पूरे लगने की पूरी संभावना है। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पे, जो मैंने आपको बताया था भैरव जी का स्थान है यहाँ पे। ये मैं प्रसाद लेकर आया हूँ, यहाँ पे चढ़ाएंगे। ये पानी जो भी ग्वाल होते हैं जो पहाड़ों में अपने गाय भैंस या बकरी को चराने जाते हैं, उनके लिए पानी का प्रबंध है यहाँ पे बहुत बढ़िया वाला। इतनी हवा है कि इसमें शक्ति भी उड़ के जा सकते हैं कहीं भी। मंदिर में हमने प्रसाद चढ़ा दिया है। मैंने लास्ट टाइम आपको पपीते दिखाए होंगे, ये पक चुके हैं और मम्मी ने तोड़ लिए। तो ये देख लो गाइस, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया होगा। कवर करके क्यों रखते हैं? नजर पड़े फिर जड़ने लग जाती है। तो गाइस देख लो, पपीतों को भी नजर लगती है। ये पक गया ना बिल्कुल, 3-4 मम्मी ने तोड़ के अंदर रख लिए। देसी लहसुन है ना, लाजे तेरे लिए हुक्का तैयार कर दिया। हुक्का पीने की कह रही थी तो? मैं क्या बोल रही थी? कह तो रही थी मैं तो पीऊंगी। तो कैसे हंस रहा है? ये जयलाल का बेटा है। तो वैसे गाइस ऐसा कभी होता नहीं है कि मैं सेम डे आऊं और सेम डे निकल जाऊं। मम्मी को लेकर जाना था और कल मेरा ऑफिस है, ड्यूटी है, इसलिए जाना मजबूरी बन गई है। मम्मी बिल्कुल रेडी हो गई है जाने के लिए गाँव में। सोनम को बड़ी पसंद है रॉ चीजें, इसको बांध दे वापस। मेरी नजर इतनी सस्ती नहीं है कि किसी को भी लग जाए। ये हुक्का मैं बोल रहा था सोनम को, चल सोनम एक काम करे, एक बार घूट मार के देगी इसमें से, लेकिन सोनम कह रही ये मेरे बस की नहीं है। औरतों की जो सुल्फी होती है, सुट्टा होता है, सुल्फी होती है, जो भी तम्बाकू होता है, फिर क्या डिफरेंस है बताओ? डिफरेंस कुछ नहीं, जिसको आदत पड़ जाती है वो तो पीता ही है। आग कम हो चुकी है तो तुम ठंडा हुक्का पी रहे हो, आज मेरे को बड़ी मस्त लगती है। बैड मैनर्स होते हैं। देखिए मैं चाय पी के जाऊंगी। एवरीवन कैसे आप सब लोग, कमेंट करके बताना सोनम इस वाले सूट में कैसी लग रही है। ये हमने कहाँ से लिया था सोनम बताना जरा? शिमला। देखा गाइस आपने, इन खर्चों में से कुछ हिस्सा मैं विनोमो से मैनेज कर लेता हूँ क्योंकि विनोमो है मेरा ऑनेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, जहाँ पे मैं ट्रेड करके बहुत सारा अर्न करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में ऑलरेडी विनोमो ऐप डाउनलोडेड है, यहाँ पे मुझे सिंपली क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे रियल अकाउंट में 27,176 रुपए। अगर आपके अकाउंट में नहीं है तो यहाँ डिपोजिट पे क्लिक करके डिफरेंट पेमेंट मेथड आपके सामने ओपन हो जाएंगे, जैसे UPI, पेटीएम, फोन पे के थ्रू भी आप डिपोजिट कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले आपको एसेट्स को चूज करना है जो कि मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद गाइस आपको इस ग्राफ को देख के प्रिडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा और मैं यहां पे 7,000 इन्वेस्ट कर दूंगा डाउन पे और वेट करूंगा
इस ग्राफ के एंड होने का। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में हो चुके हैं 32,986 और मैंने 12,810 रुपए कमा लिए हैं। एंड गाइज अगर आपको ट्रेडिंग में कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ सपोर्ट फंक्शन है जहाँ पे आपको चैट, हेल्प सेंटर, कॉन्टैक्ट एंड क्लाइंट एग्रीमेंट मिल जाता है। इनकी कस्टमर सर्विस 24/7 अवेलेबल है। एंड गाइज उसके साथ मजे की बात यह है कि यहाँ पे क्लिक करके आप ग्राफ चेंज कर सकते हैं, जैसे माउंटेन लाइन, कैंडल एंड बार। तो गाइज विनोमा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मेरे लिंक से इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको डेमो अकाउंट में $1,000 मिलते हैं जहां से आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। एंड गाइज जब आप एक बार ट्रेड करना सीख जाते हैं तो उसके बाद अपनी रियल मनी को इन्वेस्ट करके भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आज की मेरी ड्यूटी है कैमरा होल्ड करने की और आज मैं शक्ति को फिरा फिरा के व्लॉगिंग करवाऊंगी। अरे तो मेरा सर क्यों काट रहे, तेरी हाइट छोटी है तो इसका मतलब ये तो मेरे हाथ ऐसे लंबे नहीं हो सकते ना। तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं सोनम के बिछड़े हुए भाई से मिलने के लिए। सोनम के बहुत पुराने भाई से मिलवाएंगे जो कुंभ के मेले में खो गया था। हाँ तो आज मिले, वो काफी अच्छे हैं, हम्टी डम्टी से हैं। दिल्ली के अंदर बहुत गर्मी हो रही है, मौसम नहीं हो रहा है बिल्कुल औसम। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आप शर्ट नहीं पहनते, टी शर्ट में ही रहते हो, तो लो भाई आज मैंने आपकी डिमांड के ऊपर शर्ट वेयर कर ली है। तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ। और गाइज ये वाला बैग इसका इतना फेवरेट बन गया ना, बाहर कहीं पे भी जाती है तो इसको जरूर लेकर जाती है। ब्लैक वाला बैग छोड़ दिया, अभी मैं ब्राउन के पीछे पड़ गई हूँ और अगले आने वाले दिनों में तीसरा और होगा। एक काम कर, तूने नारियल पानी तो पी लिया, अभी नारियल पानी जो कूड़े में पड़े हैं ना इनको उठा के नीचे भी लेके। पूरा काम लगता है। हमेशा एक अच्छे पति की जिम्मेदारी होती है कि उसको घर का कूड़ा हमेशा डस्टबिन में फेंक कर ही जाना चाहिए, वरना आपको पता है ना बीवी क्या कर सकती है आपके साथ में। और मास्क जरूर लगाएं, हमने नहीं लगा रखा था ये मत बोलना कि भैया वीडियोस के अंदर नेगेटिव चीज को पॉइंट आउट करते हो, भी पॉजिटिव चीज को भी पकड़ा करो यार। अक्षय कुमार को भी कोरोना हो गया। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा खाना। तो ये सोनम के भूले भटके भाई हैं जो कुंभ के मेले में खो गए थे, वो अभी मुझे मिले हैं। कुंभ के मेले में ये दोनों आपस में खो गए थे, 3 से 4 साल बाद मिले और इन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा खाने के लिए। हमने तो आपको ऐसी मजाक में बोला था, आपने इतनी मेहनत क्यों करी। कुछ कहना चाहोगे, जवान में लगाम लग गई आपके। वो बातें बोल दो जो पापा भी देखेंगे थे, भाभी को बताएं, बोलो भाभी नहीं बोल दो। और अच्छा अरेंजमेंट करा है, हमें नहीं पता था बिकॉज हम तो अपना लंच करके चले थे, बट इन्होंने लंच का पूरा बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा है। यहाँ पे पनीर, दाल, रायता, सैलेड और कड़ी पकौड़ी। इतनी को बहुत अच्छी लगती है कड़ी, इस वजह से इन्होंने मंगवा ली थी ऑलरेडी और मेरे लिए भी काफी कुछ मंगवा रखा है इन्होंने। तो गाइस लास्ट 3 ईयर से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, बट ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते थे कि मिलना नहीं हो पाता था। एक ही मोटो है, इनका मुझे वेट कम करवाना है क्योंकि मेरे को लास्ट 3 ईयर से बोल रहे हैं कि मेरा वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया है लेकिन कम नहीं हो रहा। कहते रह गए लेकिन नहीं कर पाए वेट कम मेरा। चॉकलेट खाने के बाद पचाने के लिए हाजमोला भी इनके लिए लाके रखती है, आइसक्रीम। तो गाइज विकास ने ना मेरे को अपने बालकनी में बुलाया और देखो इन्होंने कितने सारे पौधे लगा रखे हैं और इनकी केयर यही करते हैं। अरे कहने का क्या मतलब है कि मैं आलसी हूँ। हाँ। सरे आम बेइज्जती कर रहे हो तुम तो मेरी। आप ही बोलते हो पानी दे दिया करो लेकिन आप पानी नहीं देते हो। हाँ, इन्होंने मेरे सारे पौधे सुखा दिया। ये कह रहे हैं कि अब मैं करूंगा, अगर नहीं करेंगे तो व्यूअर्स इनसे इकट्ठी कर रहे हैं। पुदीने भी उगा रखे और मोगरा, इन दोनों की खुशबू मैं एक साथ सूंघ रही हूँ ना, इतनी अच्छी लग रही है। नहीं देना होता है, पानी चाहिए। यही तो दिक्कत है, पानी चाहिए। मैं रहती हूँ तो पानी। शुरुआत में देख लो गाइस, ये कुंभ के मेले के भाई बहन बिछड़े हुए यहाँ पे दोनों मिलके मेरी बुराइया कर रहे हैं। ये भैया बहुत बहुत स्वीट और बहुत हम्बल है। हम बोलते अभी कैमरे के सामने इतना नहीं बोल पाते, बट कैमरे के पीछे बहुत बोल। प्याज ऐसा होता है क्या? तुमने तो यार मतलब पूरे घर को कंट्री लवर हो। देखो हमारे धतूरा। 3 वैरायटी है यहाँ पे टमाटरों की, ये बड़े, ये सबसे छोटे छोटे ये सबसे छोटे और एक व्हाइट वाले, ये जो देसी आप बोलते हैं देसी टमाटर। और ये देखो रोज की कितनी सारी वैरायटी, मैंने आपको नीचे भी दिखाया था। चीकू का पेड़ है, ये अमरूद का है, ये चीकू का है। देख ले तेरा दिल खुश हो जाएगा, नेचुरल चीजें बहुत ज्यादा पसंद है ना। ये अनार, ये भांग दतूरा, ठीक है। भोलेनाथ की सारी चीजें रख रखी है आपने। आपने उगी है भाभी, हमने नहीं लगाया आपने। अच्छा, तो ऐसे बोलते हैं कि दतूरा जहाँ अपने आप उगता है तो वो काफी शुभ होता है। तो भैया के घर में दतूरे उगते हैं, भोलेनाथ की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। देखो इन्होंने धनिया उगा रखा और ये पपीता है ना, पपीता, ये केले। ये देखो मैंने आपको गांव में भी दिखाए होंगे ना, ये रहा देख चीकू का पेड़। बता उनका नाम रखा है ना इसलिए चिढ़ाने के लिए, मैं सबसे जानता हूँ। चीकू तो कितना अच्छा नाम है, चिढ़ाने के लिए थोड़ी ना।
अब इतने सारे गुलाब है ना अलग अलग कलर के, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत कच्ची डाली होती है इसकी। इसी पेड़ से गिर के मेरे हाथ टूट गए दोनों बचपन में। तो विकास ने हमें माता रानी का प्रसाद दिया है। ये प्रसाद इसलिए है कि भाई जल्दी अगली बार जब हम विकास से मिले तो हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। वो भी हो जाए और साथ में कुछ और खुशखबरी भी आ जाए। कोई बात नहीं, हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर और बेबी की पार्टी दोनों एक साथ मिलकर करेंगे। वन से डायरेक्ट कनेक्शन है, ये पक्का होगा। तो ये क्यों कर रहे हो आप, ये तो बताओ। जोड़ा पहली बार आता है ना घर पे, तो उसके लिए मान करना पड़ता है। शादी के बाद तुम पहली बार आए हो ना, अकाल के बना दिया मुझे। मेरे पैसे लग रहा है। देख लो भैया, हर चीज मजाक में लेते हैं। आज इनको बदला निकालने का पूरा मौका मिला है मेरे से। छोटा, मैंने सुना है कि आप शनिवार को काली माता बन जाते हो। हैं? शनिवार को कुछ भी गुस्सा वाली बात करो ना, कुछ तुमको गुस्सा आता है, मतलब काली माता का रूप ले लेते। ऐसा है क्या सच में? कुछ नहीं है। इनका टीका देख लो और मेरा टीका देख लो। मेरा इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक चढ़ा दिया पूरा। यार पीछे पीछे क्यों रह गई है? तो गाइस फाइनली हमारा ट्रिप खत्म हो चुका है विकास के घर आने का, और हमें बहुत ही मजा आया। आज आपने हमारा आदर मान और सत्कार किया, उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे घर जल्दी आओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से पौधों का ध्यान रखोगे। मतलब मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें बोली, सिर्फ तुम्हें पौधों की पड़ी है। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके।